नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं कि आज स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। ये इस टाइम लुधियाना की एक बहुत बड़ी स्टार है आर्ट के फील्ड की, और आने वाले टाइम के लिए एक बहुत बड़ी तमन्ना रखती है जज बनने की। तो स्वागत है बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही आदर के साथ लावण्या मित्तल जी का। नमस्कार। नमस्कार। तो लावण्या, सबसे पहले योर इंट्रोडक्शन फॉर आवर ऑल द व्यूअर्स। ओके, माय नेम इज लावण्या मित्तल। आई एम 6.5 इयर्स ओल्ड। आई स्टडी इन सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन फर्स्ट जी। आई लव पेंटिंग, डांसिंग एंड एक्टिंग। आई वांट टू बिकम जज इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। तो आप कितने साल के हो? I am 6.5 years old. Good, good. तो लावण्या, आप का बहुत नाम है लुधियाना में, और जितने भी बच्चों में टैलेंटेड हैं, आर्टिस्ट हैं, उनमें आपको एक सेलिब्रिटी की हैसियत से देखा जाता है, माना जाता है। तो बड़े बड़े फंक्शंस में आपको बुलाया जाता है, आपको ऑनर किया जाता है। तो मैंने भी, जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के फंक्शन पर मैं पहुँचा, तो वहाँ देखा कि आपकी बहुत धूम मची हुई थी। तो मुझे भी ये हुआ कि हमारे चैनल वॉइस ऑफ एशियंस के भी दर्शक देखें इस छोटी सी, इस प्यारी सी सेलिब्रिटी को। तो लावण्या, आप बताइए कि आर्ट के फील्ड में आप कब आई, आपने क्या क्या किया आर्ट के फील्ड में? सबसे पहले तो मैं गई नानी ऑफ पंजाब में। जी यस यस, मैं नानी ऑफ पंजाब में जीती थी। क्या बात है। हाँ, जुगनी टाइटल दिया था मैंने, जुगनी द राइजिंग स्टार। अच्छा, फर्स्ट आई थी मैं। और फिर मैं कई पहचान में। अच्छा। पहचान में फिर मेरे को डायरेक्टर सर मिले। ओके। उन्होंने 300 बच्चों में से मुझे सिलेक्ट किया। क्या बात है, वाह। फिर उसके बाद हुई मेरी मूवी। अच्छा। शॉर्ट पंजाबी मूवी। अच्छा, वो कौन सी थी, क्या नाम था उसका? उसका नाम खंड खेलना। ओके, क्या उसमें था टोटल मूवी में? टोटल मूवी में वो चाइल्ड लेबर पे थी। अच्छा। और डॉटर फादर रिलेशनशिप। ओके, दैट्स वेरी गुड। यस, और उसमें मेरा रोल था रानू का, और मेन रोल था मेरा। अच्छा, तो कोई डायलॉग सुनाएंगे प्लीज उसका? ओके। ओए टिक जा तू, ऑन साथ मेरे नाल पंगे जे ना ले, फिद्दी होगी तेरी बेबे। क्या बात है, वेरी गुड, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। आप बहुत बढ़िया बोलती हैं। तो उससे पहले, जैसे टीवी पे आपने बताया कि नानी ऑफ पंजाब, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था, बताइए? उसका बहुत ज़्यादा अच्छा। तो कितने लोगों को मिले आप वहाँ, क्या क्या सीखने को मिला आपको? हमें सीखने को राउंड्स दो हुए थे, राउंड्स। अच्छा। मॉडलिंग के। जी। फर्स्ट पंजाबी, सेकेंड वेस्टेंट। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया? उसके बाद मैंने पहचान लिया। पहचान में क्या क्या था? पहचान में हमें बहुत बड़ा मजा आया। तो लावण्या, पहचान में जो सीरियल में आपने क्या क्या किया था? पहचान में मैंने वो ही जो पहले मैंने स्टोरी टेलिंग की, जैसे नाने ऑफ पंजाब में मैंने दो राउंड किए थे मॉडलिंग के, पंजाबी और वेस्टेंट ना। okay. वो भी हुए थे पहचान। अच्छा। इन तीनों को मैंने किया था। okay. और उसमें भी मैं जीती थी। अच्छा। उसके बाद फिर मिली थी मेरे को मूवी। तो क्या बात है, वेरी गुड। तो एक चीज बताइए, क्योंकि स्टिल एड्स भी आपने की अलग अलग? यस 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 यस, मैंने बाद में एक और मॉडलिंग की थी। अच्छा। माया बैकर्स, फ्लिपकार्ट, शॉप न्यूज, फिसला। क्या बात है, दैट्स वेरी गुड। तो काफ़ी आपने ये उपलब्धियां की, और इससे पहले कि हम और बातें आपसे जानें, और बातें आपसे पूछें, तो अब आपके मॉम से भी बात करते हैं, पता लगेगा कि आप कितनी शरारती हो, कितना घर में काम करती हो, कितना तंग करती हो मॉम को, सारा कुछ पता लगेगा। ठीक है, अभी बुलाते हैं आपके मॉम को। तो अब हमारे साथ हैं लावण्या के मम्मी मिसिस कशिश मित्तल जी, स्वागत है आपका। थैंक्स सर। तो बहुत हमने आपकी बेटी के चर्चे सुने, ये तो कमाल की आर्टिस्ट है, हर जगह एज सेलिब्रिटीज को रिगार्ड मिलता है। तो आप ये बताइए कि कितने साल की उम्र की ये थी जब आपको पता लगा कि ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन सकती है? एक्चुअली ये बचपन से ही इसमें पैशन था एक्टिंग का,
कि जब बच्चे डॉल्स के साथ खेलते हैं तो ये डॉल्स को लेके स्टोरीज बनाती थी। अच्छा। और उनके उनकी कोई मूवी देखती बार्बी की तो उसको इनेक्ट करती थी। ओके। और उस कैरेक्टर्स को प्ले करती थी, तो फ्रॉम देयर आई जज्ड आउट कि बच्ची में एक्टिंग का पैशन है, तो क्यों ना इसको मैं बूस्ट करूँ। क्या बात है। तो फिर आप कितना टाइम इसको रोज देती हैं, जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराने में, फिर स्टडीज में? टू बी वेरी फ्रैंक, शी इज ऑल अराउंडर किड, आई एम रियली प्राउड टू हैव हर। और ये बच्ची को मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। ओके। शी इज गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। और अपने आप ही ये वो किया, इसको पंजाबी आती भी नहीं थी, बिकॉज दैट्स नॉट अ मदर टंग, तो इसको शी इज मोर लाइक कन्वर्सेंट विद इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसको इसकी मूवी में 116 डायलॉग्स थे, तो इसने बाय हार्ट वो पंजाबी पेंडू फ्लेयर में प्रॉपर इसने वही ग्रूमिंग किया। अदरवाइज शी इज अ गिफ्टेड। ने अभी देखा हमने आपसे बात करने से पहले, ये तो पंजाबी इसकी इतनी कड़कदार है, ये तो एक डायलॉग से बंदा ही मार दे, मतलब इतना तगड़ा डायलॉग बोलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये शरारतें भी करती है घर में? शी इज वेरी नॉटी, बट बाय एंड लार्ज शी इज वेरी वेल ग्रूम्ड चाइल्ड। और बहुत ही अफेक्शनेट बच्ची है, अपने मम्मा पापा दोनों को, सबका घर में बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, और टीचर्स की भी बहुत डालेंगे स्कूल में, वेरी रिस्पेक्टफुली उनसे करती है। शी इज अ वेरी स्वीट चाइल्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। तो लवण्या, देखा तुम्हारी शरारतों की सारी शिकायतें लग गई। तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? मैं तो मम्मा को कभी भी परेशान नहीं करती। अच्छा, हर बच्चा ऐसा ही कहता है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत शरारतें तो चाहिए होती है ना, दिल लगा रहता है बंदे का। मम्मा तो, मैं आपको सारा सिस्टम बता देती हूँ घर का। जी। सुबह मैं उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, फिर उसके बाद दूध पीती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देख के, खाना खाते हुए टीवी देखते हुए, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो के उठती हूँ, शाम को होमवर्क करके फिर मम्मा के प्रोग्राम्स देखती हूँ साथ में, और रात को फिर से आराम से सोने। क्या बात है, देखो कितना अच्छा बच्चा, तंग तो करती नहीं है ना। खेलती भी हूँ मैं रात को। खेलते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। तो लवण्या, आने वाले टाइम में आपकी कौन सी एल्बम्स आ रही है, या कौन कौन सी और प्लानिंग्स है आपकी? नहीं, बस अभी तक तो बस एक ही एल्बम आई है मेरी। उसका नाम है शुरुआत। अच्छा। उसके उनको डायरेक्टर सर पता कौन है? सोनू सर। ओके। उसमें क्या क्या है शुरुआत में? शुरुआत में मैंने वो किया, मेरा एक बैगर का रोल। अच्छा, कोई डायलॉग सुनाओ उसका। एक आधा डायलॉग याद है कोई? ले लो जी ले लो। वाह, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो, शुरुआत जैसे ही ये आपकी एल्बम आती है तो हमें भी वेट रहेगी। तो क्या बनना चाहती है आप आने वाले कल में? जैसे आप पहले स्टडीज करेंगी, तो उसके बाद फिर आप लाइफ में क्या बनना चाहती हैं? मैं आपको बता देती हूँ किन में से मैं कोई बनना चाहती हूँ। जी। फर्स्ट जज, ओके, डीसी, ओके, ऑफिसर, ओके, पुलिस, ओके, आईपीएस, ओके, और प्राइम मिनिस्टर। क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बेस्ट विशेस कि आप अपने मकसद को जरूर अचीव कर लें। तो आप जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे बड़ा डरते हैं और स्टेज पे आने से घबराते हैं, और उनको कह दिया जाए, कई बड़े भी डरते हैं तो उनको कह दिया जाए कि आप गाना ही सुना दो, तो उनके बेचारों की जान निकल जाती है, नहीं मैं गा नहीं सकता, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? कि आप डरो मत, कॉन्फिडेंट रहो। या अगर आप कुछ ऐसा सोचोगे, दिमाग में सोचते रहो कि मेरे को ये चीज करके ही रहनी है, बिल्कुल सही है, वो कर दो फिर क्या हो जाएगा। क्या बात है। तो उम्मीद है जितने भी लोगों में कॉन्फिडेंस कम है, वो लवण्या मित्तल की इस बात को अच्छी तरह से जान ले, अच्छी तरह से पहचान ले, ताकि उनको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत अच्छी आज आपने बातचीत की लवण्या हमारे दर्शकों के साथ, दर्शक भी बहुत खुश हुए होंगे कि इतना आज कॉन्फिडेंस देखने को मिला, इतना हौसला, इतनी हिम्मत देखने को मिली। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने स्पेशली टाइम निकाला हमारे लिए, और आपके लिए वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लाइफ में बहुत राइज करें और माँ बाप का और देश का नाम रोशन करें। हमारे यहाँ परंपरा है कि
जो भी हमारे पास आते हैं उनको हम एक नवग्रह दिव्य वनस्पति दल भेंट करके सम्मानित करते हैं, तो ये आपके लिए है। थैंक यू सर। थैंक यू। और प्रिय दर्शकों, अब बताइएगा कि आपको लवण्या मित्तल की इंटरव्यू कैसी लगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और इस बच्ची को हौसला देने के लिए उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू को और भी दोस्तों तक शेयर करेंगे, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे ताकि उनको भी हौसला मिले और कुछ बनने का जज्बा उनमें भी आ सके। तो जाने से पहले ये भी कहेंगे कि हमारे चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत से लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको दिखाने वाले हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।